ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे। तो दोस्तों यार, सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई मैं यूट्यूब क्विट करने वाला हूँ, बंद करने वाला हूँ। भाई उसका रीजन आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि भाई यार गरेना हम लोग को जिस तरीके से लूट रही है ना भाई, उसके बाद यार एकदम पूरा डीमोटिवेट हो चुका हूँ। और यार यूट्यूब के भी हम लोग को सस्ते नशे देखने को मिल जा रहे, क्योंकि भाई वीडियोज का नोटिफिकेशन भेज ही नहीं रहा यूट्यूब। और यार आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर वगैरह करते ही नहीं हो यार, इस वजह से बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुका था। इसी वजह से यार मैं यूट्यूब वगैरह से बंद करने वाला था, मतलब क्विट करने वाला था। लेकिन यार वहाँ पे बहुत से हमारे प्यारे प्यारे भाइयों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिले, जिसको यार देख के भाई मेरा एक तरीके से पूरा का पूरा दिल भर गया भाई। इस वजह से मैं फिर से आप लोगों के लिए आ चुका हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो दोस्तों यार चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर दो, और यार प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में, उसी के साथ साथ हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जो इवेंट आने वाला हमारे गेम के अंदर, उसके बारे में आप लोगों को पूरा पूरा एकदम क्लियर करके हर एक चीज डिटेल से बता दूंगा कि उसमें हम लोग को कौन कौन से रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा, हमारे इंडियन शो के अंदर कब तक वो इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और क्या कुछ उसका इंटरफेस रहने वाला है, सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए यार सबसे पहले यहाँ पे हम बात ही कर लेते हैं अपने फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जब फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज हमारे गेम के अंदर स्टार्ट होगा तो जो हमारी लोडिंग स्क्रीन रहती है यहाँ पे चेंज होने वाली है। आप लोग हम स्क्रीन पर देख सकते हो जो हमारी लोडिंग स्क्रीन का इंटरफेस रहता है ये चेंज होकर कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा ओपी लगता है, हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की थीम बेस्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि रिवॉर्ड क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे काफी ढेर सारे रिवॉर्ड निकल के आए हुए हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज से रिलेटेड। यहाँ पे कह रहे हम लोग को लगभग यहाँ पे दो पेट की स्किन, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग को एक इमोट भी देखने को मिल सकता है हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के दौरान। क्योंकि दोस्तों यार इसके पहले जब हमारा एक FFCS या फिर मेरे ख्याल से फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट जब इसके पहले आया था तो उस पर भी हम लोग को एक इमोट देखने को मिला था, जो कि यार डंडा वाला हमारा जो एक इमोट है वो हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला था। तो सेम यार उसी के तरीके हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज से एक इमोट निकल के आया हुआ, जो कि यार आप लोगों स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इसमें हमारा FFWS या फिर बोल सकते हैं फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का कप ये अपने हाथ में लिया हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे ये फन वगैरह कर रहा है, चेयर्स वगैरह कर रहा है। तो यार ये इमोट हो सकता है कि हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के दौरान हमारे इंडियन शो के अंदर हम लोग बिल्कुल ही फ्री में क्लेम कराया जाए। और बता दें कि किस तरीके के इंटरफेस या फिर इवेंट के अंदर से क्लेम कराया जाएगा, तो गाइस यार जिस दिन हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का ग्रैंड फाइनल रहेगा उसकी लाइव स्ट्रीम होगी और हम लोग को लाइव स्ट्रीम पर लाइव वॉचिंग का एम दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा, और उस टारगेट को जब हम लोग मिल के यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो उसका पार्टिकुलर हम लोग को रिडीम कोड या फिर हमारे इन गेम मेल बॉक्स के अंदर हर एक प्लेयर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों हो गई मेरे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दी। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में कि हमारे इंडियन शो के अंदर अपकमिंग डेज के अंदर हम लोग को नेक्स्ट टॉप इवेंट के अंदर कौन सा नया रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो भाई यार आप लोगों को पता होगा हमारे गेम के अंदर KO नाइट इवेंट चल रहा है, तो KO नाइट इवेंट की थीम पर बेस्ड यहाँ पे काफी ढेर सारे टॉप इवेंट के लीक्स निकल के आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों यार एक इमोट का टॉप इवेंट निकल के आ रहा है, जो कि यार आप लोगों को स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इमोट हम लोग को टॉप इवेंट के अंदर प्रोवाइड कराया जा सकता है, जो कि यार यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फाइट से रिलेटेड होने वाला है और देखने में काफी ज्यादा शानदार ये इमोट लगता है। आप लोग को यार ये इमोट पसंद आया कि नहीं पसंद आया कमेंट बॉक्स में जोर से जरूर बताना। और भाई अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे को भाई लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आया, अगर हमारे इंडियन शो में टॉप इवेंट में आता तो मैं इसको 100% यहाँ पे लेने वाला हूँ, और अगर इंडियन शो में आएगा भाई तो हम लोग को 500 डायमंड के टॉप अप पर ये देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर KO नाइट इवेंट के थीम पर बेस्ड और अदर रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे गाइस यार एक लूट बॉक्स निकल के आया हुआ है, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, देखने में काफी ज्यादा शानदार ये लूट बॉक्स लगता है, जो कि हम लोग को टॉप इवेंट के अंदर दिया जा सकता है लगभग 200 डायमंड के टॉप अप पर। इसमें हम लोग को एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिल जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक यहाँ पे लेजेंडरी बैट की स्क्रीन भी निकल के आई हुई है, जो कि हमारा KO नाइट इवेंट की थीम पर बेस्ड है, और इसमें यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा बिजली वाला एनिमेशन देखने को मिल जा रहा है, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये अगर हमारे इंडियन शो में आता है दोस्तों तो हम लोग को 100 डायमंड के टॉप अप पर प्रोवाइड कराया जा सकता है लूट बॉक्स। और यहाँ पे जो हमारा बैट की स्क्रीन है इसके एक और चांस है दोस्तों, ये हो सकता है कि हम लोग को कॉल बैक इवेंट के अंदर प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो दोनों में से किसी न किसी इवेंट के अंदर आ सकता है। अब कौन से में आएगा ये हम लोग को आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यार हमारे गेम के अंदर एक ग्लोअल का भी टॉप इवेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है हमारे अपकमिंग डेज के अंदर, जिसमें दोस्तों काफी ज्यादा लीक निकल के आ रहे, जो कि यार आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वाले ग्लोअल की स्क्रीन हमारे अपकमिंग नेक्स्ट टॉप इवेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसके बहुत ज्यादा हाई चांस बताया जा रहे हैं हमारे फ्री फायर के डाटा माइनर और जो भी यहाँ पे मॉडरेटर वगैरह है उनकी तरफ से, क्योंकि भाई ये जो हमारा ग्लोअल है एक तरीके से बोलने की KO नाइट इवेंट की थीम पर
ज़्यादातर बेज हम लोग को देखने को मिल जा रही है, और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये ग्लू वॉल की स्क्रीन लग रही है, क्योंकि यार इसमें एक तरीके से एनिमेशन हम लोग को देखने को मिल जा रहा है ग्लू वॉल के अंदर, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा ओपी है। क्योंकि भाई अभी तक जितनी भी ग्लू वॉल की स्क्रीन आई हुई है वो हम लोग को सिंपल सा देखने को मिली है, उसमें एनिमेशन वगैरह देखने को नहीं मिली है। तो यार एक तरीके से बोल सकते हैं ये लेजेंडरी ग्लू वॉल की स्क्रीन होने वाली है। और अगर बात करें टॉप अप में अगर आएगी तो कितने डायमंड के टॉप अप पर आएगी, तो भाई लेजेंडरी है एनिमेशन देखने को मिला, तो मुझे जहाँ तक लगता है 500 से लेके भाई 1000 डायमंड के टॉप अप के बीच में आ सकता है। मे भी हो सकता है कि 500 या फिर 800 या फिर डायरेक्ट 1000 डायमंड टॉप अप पर प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे गेम के अंदर हुए बिल्कुल ही नए कोलाबरेशन, जो कि हमारा MR1 कैरेक्टर से रिलेटेड या फिर बोल सकते हैं मोहम्मद रमदान के साथ जो यहाँ पे कोलाबरेशन हुआ है फ्री फायर का, उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारा अगले नंबर का टॉप अप निकल गया है, जिसमें क्या हम लोग को हमारे मोहम्मद रमदान वाला जो कैरेक्टर है वो टॉप अप के अंदर प्रोवाइड कराया जा सकता है। अदर स्टोर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को टॉप अप के अंदर बेसिकली ये देखने को मिल चुका है, जहाँ पे भाई वो आप लोग मोहम्मद रमदान वाले कैरेक्टर का यहाँ पे बंडल देख सकते हो। बंडल यार देखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, और इसका जो एनिमेशन यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं एनिमेशन भी बहुत ज्यादा ओपी वाला है, इसमें चील वगैरह पे हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। तो यार बंडल मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना। और बात करें कि 100 में कितने डायमंड के टॉप अप पर आएगा, तो 200 डायमंड के टॉप अप पर हम लोग को ये कैरेक्टर और लगभग 500 डायमंड के टॉप अप पर हम लोग को इस कैरेक्टर का बंडल प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग को कटाना का भी टॉप अपमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई जो हमारे इंडिया के डाटा माइनर है उनकी तरफ से काफी यहाँ पे कंफर्म बोला जा रहा है कि इस बार हम लोग को टॉप अपमेंट के अंदर कटाना का टॉप अपमेंट देखने को मिल सकता है। जैसा कि यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, हम लोग को एक लेजेंडरी कटाना की स्क्रीन इस बार टॉप अपमेंट के अंदर प्रोवाइड कराई जा सकती है, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा ओपी लगती है। ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन के साथ ही हम लोग को देखने को मिल जा रही है, और गजर इसमें हम लोग को काफी ज्यादा ओपी वाला एनिमेशन भी देखने को मिल जा रहा है। आप लोग को यार ये कटाना का लुक कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। और भाई ये लेजेंडरी कटाना की स्क्रीन रहने वाली, तो अगर टॉप अपमेंट में आएगी तो लगभग 200 या फिर 300 डायमंड टॉप अप पर हमारे इंडिया स्टोर के अंदर हम लोग को अवेलेबल कराई जाएगी। तो दोस्तों यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम बात करने वाले अपने आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों यार पता होगा मैंने अभी लगभग कुछ दिन पहले आप लोग के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा था, जहाँ पे प्राइज में मैंने वीकली मेंबरशिप का गिवे किया हुआ था, जो कि गई यार हमारे टूर्नाफेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग को ऑर्गेनाइज कराया गया था, प्रोवाइड कराया गया था। तो यार अगर आप लोग को और भी ढेर सारे टूर्नामेंट खेलने हैं अपकमिंग डेज के अंदर, तो यार हमारे टूर्नाफेस्ट एप्लीकेशन की तरफ से एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग को करना कुछ नहीं भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, या फिर सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो टूर्नाफेस्ट, वहाँ पर जाकर आप लोगों को सिंपली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और वहां पे दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि उस एप्लीकेशन को आप लोगों को 5 स्टार की रेटिंग देना है, और उसी के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना है रेटिंग के साथ साथ। तो ये छोटा सा काम कर दो, क्योंकि अगर आप लोग वहां पे अच्छा खासा कमेंट करते हो और रेटिंग देते हो ढेर सारी, तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़े प्राइज पूल के साथ और भी ढेर सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा दूंगा। तो जाओ यार जल्दी से आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एप्लीकेशन पर 5 स्टार रेटिंग दे दो, मैं तो दे रखी है भाई, आप लोग भी दे दो। और देने के बाद भाई यार वहां पर कमेंट कर देना, #MG वहां पे लगा देना जरूर से जरूर, जिससे पता चल सके कि हमारे कितने MG भाई के मतलब MG फैमिली से रिलेटेड हैं, जो कि यार हम लोग को सपोर्ट करते हैं और वहां पे जाके कमेंट किए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यार आप लोग अपना ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो यार, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो को शेयर वगैरह करो, लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर करो। भाई नोटिफिकेशन का इशू बहुत होता है, इस वजह से बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर रखा करो। तो चलो फिर बाय बाय, मिलेंगे बिल्कुल नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट लेके आने वाला हूँ।